खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। पुलिस फायरिंग से नाराज लोगों ने दो थाने में लगाई आग। मुंगेर में भीड़ का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। भीड़ ने दो थानों को आग लगाकर जला दिया है। पूर्व सराय और वासुदेवपुर ओपी को भीड़ ने फूंक डाला है। अब भीड़ कोतवाली थाना की ओर बढ़ रही है। दोनों थानों की कई गाड़ियों में भीड़ ने आग लगा दी है। लगातार मुंगेर पुलिस लिपि सिंह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वह लगातार कह रहे हैं कि मुंगेर में लिपि सिंह की तानाशाही नहीं चलेगी। मुंगेर के SP और DM पर कड़ी कार्रवाई, चुनाव आयोग ने दोनों को हटाया। मुंगेर के DM राजेश मीना और पुलिस कप्तान लिपि सिंह को हटाया गया। चुनाव आयोग की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान युवकों पर लाठीचार्ज और गोली कांड में युवक की मौत के मामले में इन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। BSP के 7 बागी विधायकों को किया सस्पेंड। मायावती ने कहा, सपा को हराने के लिए करेंगे BJP को वोट। राज्यसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करने वाले 7 विधायकों को BSP ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही BSP अध्यक्ष मायावती का ऐलान है कि BSP राज्यसभा चुनाव में जैसे को तैसा जवाब देने के लिए वह पूरी तरह तैयार है। सपा को हराने के लिए पार्टी को यदि BJP को भी वोट करना पड़े तो वह पूरी तरह तैयार है। मनोज तिवारी और रवि किशन ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बोले, इस बार NDA की सरकार तय। बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया, साथ ही 1066 प्रत्याशियों की किस्मत भी EVM में कैद हो गई। अब किसके कितने वोट आए हैं इस आधार पर पार्टियों के बीच जंग छिड़ गई है। एक दूसरे पर हमला बोलने का एक भी मौका नेता नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में आज भाजपा सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ने पटना एयरपोर्ट पर महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा। पहले चरण के मतदान के बाद BJP की बड़ी चिंता। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने और इंटरनल रिपोर्ट आते ही कई पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर बुधवार को मतदान खत्म हो गया। ऐसे में अब बड़ी पार्टी BJP की निगाहें दूसरे और तीसरे चरण की सीटों पर आ गई है। BJP आखिर के दोनों चरणों के लिए पहले से और अधिक ताकत झोंकने के लिए तैयार है। चिराग बोले, BJP LJP की बिहार में बनेगी सरकार। 10 नवंबर को महिषासुरी व्यवस्था का होगा वध। चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि 10 नवंबर को महिषासुरी व्यवस्था का वध होगा और BJP और LJP की सरकार बनेगी। CM नीतीश का बड़ा ऐलान, रोजगार के लिए सभी बिहारियों को 10-10 लाख रुपए का आर्थिक मदद। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियों के नेता दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी JDU उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। बिहार में मिले कोरोना के 783 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 214,946। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 783 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,14,946 हो गई है। बिहार में फिलहाल 9,559 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। एसपी लिपि सिंह के हटते ही एक्शन में डीआईजी मनु महाराज, थाना जलाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। मुंगेर में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए बवाल को लेकर गुरुवार को हुए उग्र प्रदर्शन के बाद बिहार चुनाव आयोग ने जिले के दो बड़े अफसरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की। बिहार निर्वाचन आयोग ने मुंगेर की पुलिस कप्तान लिपि सिंह और जिलाधिकारी राजेश मीना को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। इस दोनों अफसरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई के बाद मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज ने कमान संभाल लिया। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मनु महाराज इलाके में कैंप कर रहे हैं।